लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुकड़ा है ये तो चांद का टुकड़ा है। अरे तो बोलती है। नहीं यार चाहती है। अरे जाने मन तेरी ये तमन्ना जरूर पूरी कर देंगे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे, अरे छोड़ो मुझे। हाय रवि, थैंक गॉड रवि तुम आ गए। कौन है ये लोग? क्या है, क्या हुआ? ये कोई आने का टाइम है, मुझे कुछ हो जाता तो। स्वीटहार्ट इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सरासर बॉम्बे ट्रैफिक की गलती है। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुमको मेरी जरा सी भी परवाह नहीं है। बोलो प्लीज, तुम क्या प्यार करोगे यार? ओ कम ऑन, एक मिनट यार, दिखता नहीं मैं अपनी उससे बात कर रहा हूँ? तो मूड बहुत खराब है, चुपचाप रहो। स्वीटहार्ट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखो इसमें चाबी दो, चाबी गाड़ी की चाबी दो। चाबी कहाँ है? छोड़ो यार, ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ है। ना तुम लोग उसके साथ बदतमीजी करते और ना ही वो मुझे इस तरह छोड़ के चली जाती। उर्मी स्वीटहार्ट अकेली कहाँ जा रही हो? मैं भी साथ चलता हूँ ना। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं अकेली ही डांस में जा रही हूँ। नहीं नहीं कमॉन उर्मी, प्लीज प्लीज उर्मी, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। उर्मी उर्मी कर दी ना सब गड़बड़, तुम लोग जानते हो उसे मनाना कितना मुश्किल है। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करेगा रे? मतलब कि मुझे अभी जाके उसे मनाना पड़ेगा और क्या। मैं जाता हूँ। अरे चिकने पहले हमें तो मना ले। ठीक है। धुलाई करने में बड़ा मजा आ रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? बोलना यार। मैं सोचता हूँ थोड़ी देर और रुक जाऊं। नहीं नहीं
जाइए, आपको हमारी दीदी की कसम, आप जाइए जाइए, वो इंतजार कर रहे हैं। अब आप लोगों ने उसकी कसम दी है तो जाना ही पड़ेगा। मैं जाऊं? ओके, अच्छा नमस्ते। अब तो उसे मनाने का सिर्फ एक ही रास्ता है रवि।
का तेरे जैसा हो। देखो रवि, अब हंसी मजाक बहुत हो चुका। सच सच बताओ, तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो? बस बड़े भैया की शादी हो जाए, उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। ये तो मैं बरसों से सुन रही हूँ। क्या करूँ यार, भैया को इतनी अच्छी अच्छी लड़कियों के रिश्ते आते हैं, लेकिन उन महाशय को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। मैं तो तुम्हें पसंद हूँ ना। ये भी कोई पूछने की बात है? तो फिर तुम समझती नहीं यार, जब तक बड़ा भाई कुंवारा घर पे बैठा रहेगा, मैं मम्मी डैडी से अपने शादी की बात कैसे कर सकता हूँ? रुकना तो पड़ेगा। तो ठीक है, मैं तुम्हें एक महीने का टाइम देती हूँ। अगर इस एक महीने में तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम मुझे भूल जाना, और मैं तो तुम्हें भूल ही जाऊंगी। तुम इतना भड़कती क्यों हो यार? क्या मैं नहीं चाहता कि हम लोग की शादी हो? मैं कुछ ना कुछ चक्कर तो चला ही लूंगा। कल भैया आ रहे हैं। चार कार्गो शिप गारमेंट शिपिंग कॉर्पोरेशन से खरीद लिए और अपनी सूरज टेक्सटाइल के शेयर नंबर वन पोजीशन पर हैं। गुड। और 50 लाख का चेक मदर मेरी आश्रम में भेज दिया है। बहुत अच्छा। 20 लाख का चेक रामकृष्ण मिशन में भेज दिया है। वेरी गुड। जॉनसन शिपिंग के मेंटेनेंस का क्या हुआ? उसका मेंटेनेंस अभी नहीं हुआ है। व्हाई? 2 दिनों के लिए मैं बाहर चले जाता, तुम लगा परवा जाते हो इसमें समेरा। सर, उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो जसलोक हॉस्पिटल में। इज इट सीरियस? नहीं सर, पर उन्हें और कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना होगा। Oh God, do me a favor. एक काम करो, मिस्टर मेहरा का इलाज मेरे पर्सनल डॉक्टर से कराना। शिप मेंटेनेंस के लिए किसी और कंपनी को प्रोजेक्ट दे दो, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर मेरे ऑफिस आ जाओ। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू। गुड डे। बाय बाय। थैंक यू सर। चलिए। बाय सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। नमस्ते सर। मॉर्निंग। Good morning, sir. Yeah? Sir. Thank you. Good morning, sir. Morning. Oh, अब आए हो। लगता है तुम ऑफिस में काम नहीं करना चाहते। सर, मैं कर ही क्या सकता हूँ जब तक आप कुछ नहीं कर लेते। मिस्टर रवि, मैं तुम्हें अल्टीमेटम देता हूँ। अल्टीमेटम तो उसने भी मुझे दिया है सर, कि अगर मैं एक महीने के अंदर उससे शादी नहीं कर लेता तो मेरा दिल और मेरा सर दोनों तोड़ देगी। ओहो, तो कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी शादी। भैया, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? देखो ना, जब तक बड़ा भाई शादी नहीं कर लेता, बेचारा छोटा भाई शादी कैसे कर सकता है? रवि, तुम माँ और पिताजी की तरह मेरे पीछे मत पड़ो। Why don't you understand? उनकी प्रॉब्लम कुछ और है, मेरी प्रॉब्लम कुछ और है। तुम समझते क्यों नहीं भैया? ओके ओके, मैं माँ और पिताजी को समझा दूँ। Now get back to work। आया शादी की बात। ऐसे कैसे हो सकता है? बड़ा बेटा कुंवारा बैठा है और छोटे की शादी कर दो? हमारे खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हो सकती माँ? रवि ने लड़की देखी है, अच्छी ही होगी। आप लोग भी देख लीजिए ना। वो तो देख ही लेंगे, लेकिन तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें को लड़की पसंद ही नहीं आती? इतने बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ चुके तुम्हारे लिए, लेकिन तुम हो कि मैं बिजनेस हाउस से शादी नहीं करना चाहता और ना ही शादी को बिजनेस बनाना चाहता हूँ। इट्स नॉट फेयर पिताजी। अच्छा, तो तू हमें दुनियादारी सिखाएगा? अरे, शादी तो बराबर वालों में होती है ना। माँ, मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मुझे अच्छी लगे, उसमें बराबरी का कोई सवाल नहीं है।
वो कोई भी हो सकती है माँ। अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता दे, लड़की गरीब ही सही मगर शादी तो कर। माँ मुझे अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई, अगर आती तो आप लोगों को नहीं बताता माँ। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे, इन्हें आज तक कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। आप चुप रहेंगे? ओके। सूरज, सैटरडे को यहाँ एक पार्टी है, मैं चाहता हूँ उस दिन तुम घर पे ही रहो। बड़े बड़े खानदानों की एक से एक बढ़कर खूबसूरत लड़कियाँ आएंगी, बस सिर्फ तू इशारा कर दे, बाकी सब हम लोग देख लेंगे। मगर बेटे जल्दी से शादी कर ले, हर काम वक्त पर होना ही अच्छा है। माँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें पोते का मुंह देखने की जल्दी है, तो पहले रवि की शादी कर दो ना माँ। हाँ चलेगा ना, आप लोग मेरी शादी कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं। वाह बड़े मियाँ सब बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अरे भाई सूरज बेटे, पार्टी में तुम्हारा रहना बहुत जरूरी है। ठीक है मैं रहूंगा। साहब पीछे वाली गाड़ी ने ठोक दिया। ये क्या है दिखा रहे थे ना तुमको, लाइसेंस है कि नहीं, कौन भरेगा नुकसान? एक डेंट ठीक कराने को 500 रुपए लगता है, मालूम है तुमको? बहुत बदतमीज आदमी हो, इतना भी मालूम नहीं कि लेडी से कैसे बात की जाती है? थोड़ा भी अकेले नहीं है तुम्हें, तुम्हारे मालिक ने मैनेज नहीं सिखाए? देखिए साहब कितना नुकसान कर दिया इस छोकरी ने। I'm sorry. It's okay. I'm sorry on his behalf. वो क्या है गलती से लग गए वरना। It's okay. आपका जो नुकसान हुआ मैं भर दूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं, आपको तो ड्राइवर कह रहा था कि। मैंने कहा ना इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो बहुत बदतमीज आदमी है, उसे ये भी नहीं मालूम कि लेडी से कैसे बात करते हैं। मैं उसे समझा दूंगा। उसे क्या होगा, मेरी तो इंसल्ट कर गया ना। मैं उसे डांट दूंगा, अगर आप कहें तो उसे नौकरी से भी निकाल दूंगा। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं। अपनी गाड़ी चेक कर लीजिए। गाड़ी ठीक है सिर्फ यहाँ अगर कुछ हो गया तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं। भाई साहब रास्ता छोड़ दीजिए, पूरा ट्रैफिक जाम हो गया यहाँ, जल्दी कीजिए। आप अपनी गाड़ी हटाइए प्लीज। ओके रमेश साइड में लो। खाना खाया? नहीं साहब। तुम जाओ खाना खाकर ऑफिस आ। अच्छा सर चलो। गाड़ी पार्क कर दो। ओके मैडम। एक्सक्यूज मी, अभी अभी जो मैम साहब अंदर गई है कौन है वो? वो रोज यहाँ रिहर्सल करने आती हैं। रोज आती है? जी सर। नाम पता है आपको? नाम तो नहीं मालूम सर। थैंक यू। बहू क्या बात है दीदी, कुछ छोकरी उकड़ी सी लग रही है। कुछ नहीं उर्मी, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। अरे ऐसे कैसे अकेला छोड़ दे, जब खूबसूरत गालों पर कुछ ज्यादा ही लाली चमक रही हो तो कुछ ना कुछ तो जरूर होता है, अब सच सच बता दे वरना। नहीं रे, घर से निकली गाड़ी टकरा गई और यह समय पहुंची तो। वेट वेट वेट, वन बाय वन। हाँ तो नंबर वन कि गाड़ी टकरा गई, अब सवाल ये उठता है कि गाड़ी किससे जा टकराई? गाड़ी से। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि गाड़ी में कौन था और गलती किसकी थी? गलती तो हमारी ही थी। पर वो बहुत शरीफ आदमी था, उसकी गाड़ी डैमेज हो गई फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे गलती उसी की हो। देखने में कैसा था? अच्छा था। अच्छा या बहुत अच्छा? उर्मी तो फिर शुरू हो गई। दुख रहा है ना? छोड़ छोड़ छोड़, लगता है। चल देखते हैं। हाँ।
अंकल ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा। कुछ नहीं पापा? नहीं वो थोड़ी सी सिगरेट पी रहा था। वो क्या है ना कि वो क्या है अंकल, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया और फिर भी सॉरी बेटे, ये लो ये फेंक दी, अब कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। इट्स अ जेंटलमैन प्रॉमिस। शुभांगी बेटे, तुम्हें देख के भाई साहब की याद आ गई, वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह डांटते थे। छुपाओ मत पापा, अंकल तो मारते भी थे, आप ही ने कहा था। हाँ कभी कभी। लेकिन सॉरी बोलने पे गुस्सा भूल भी जाते थे, अब तुम भी भूल जाओ। लो बाबा कान पकड़ के बोलता हूँ सॉरी सॉरी सॉरी, अब मुस्कुरा दो मुस्कुरा दो। All right, sweetheart. It'll be done. रवि। ओके बाय। हाँ जी। तेरा काम हो गया। मेरा काम? तो अपनी शादी की तैयारी कर ले, मैंने अपनी शादी का फैसला कर लिया। भैया प्लीज, ऐसे मामले में मजाक अच्छा नहीं लगता। मैंने कभी मजाक किया है बेटे? मैंने सीरियसली एक लड़की पसंद कर ली है। You're serious भैया? I'm very serious. You're serious भैया? You're great भैया। माँ, अरे माँ। क्या बात है? क्यों शोर मचा रहा है? माँ, आज सूरज पश्चिम से निकला है। बस तू ये समझ ले कि तेरी तमन्ना पूरी हो गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि भैया ने शादी का फैसला कर लिया है। सच? Of course. क्यों सूरज? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जी पिताजी, मैं शादी कर रहा हूँ। अरे पापा, इन्होंने तो लड़की भी देख ली है। कैसी है वो? एक बार हमें तो मिलाओ। किसकी बेटी है? क्या नाम है? नाम थोड़े दिन में पता चल जाएगा माँ। That's a good one. Like father, like son. लड़की देख ली, शादी का फैसला कर लिया और लड़की का नाम तक नहीं पता। वो दो चार दिन में पता करके आपको बता दूंगा पिताजी। Good. बेटे, तो हमसे मजाक तो नहीं कर रहा है? मैंने सचमुच लड़की पसंद कर ली है। Excuse me. अरे भैया, आप भी कमाल करते हो। क्यों, क्या हुआ? पहली बार जिंदगी में कोई लड़की पसंद आई और उसका नाम तक नहीं पूछा। रोमांस के मामले में आप बिल्कुल जीरो। आप एक काम क्यों नहीं करते, सीधा लड़की के पास जाओ, उसका हाथ पकड़ो, बोलो आई एम सो एंड सो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मगर उसने, अरे वो आप उस पे छोड़ो ना। और हाँ भैया, ये काम कल ही कर लो, वरना ये भी कसम से यार क्या क्या सिखाना पड़ेगा अभी भाई को। अच्छा हाय, कैसी हैं? जी अच्छी हूँ। मैं भी ठीक हूँ। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, हम उस दिन मिले थे जब हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। आप उसका पैसा लेने आए हैं? अरे नहीं नहीं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, आपका नाम पता। वैसे मेरा नाम सूरज है, कपूर इंडस्ट्रीज ग्रुप मेरे पिताजी की है, मैं वहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, एम ए किया हूँ, टिक टिक कमा लेता हूँ। आप की तरह कुंवारा भी हूँ, मेरे माता पिता मेरे पीछे पड़े हैं कि मेरी शादी हो जाए। तो आप मेरे पीछे पड़ गए? जी हाँ। अरे लिफ्ट रुक गई। डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं हूँ। इसीलिए तो वॉचमैन, कोई है? मैं अपने पेरेंट्स से कहता रहा कि शादी करूं तो किससे करूं, कैसे करूं। उस दिन आप मिल गई तो उनकी बातें याद आ गई और मैंने फैसला कर लिया कि शादी करूं तो आप ही से। और हाँ कह दिया, मेरे माता पिता बहुत खुश हो गए, पूछने लगे कि लड़की का नाम और पता क्या है। अगर आप मुझे अपना नाम और पता बता दें तो मैं अपने पेरेंट्स से कहकर आपके पेरेंट्स से बात कर लूं। आप समझ रही हैं ना? मैं सब समझ रही हूँ। क्या आपको एक लड़की के साथ इस लिफ्ट में ऐसी बातें करना शोभा देता है? लिफ्ट तो मजबूरी है, अगर आप अपनी पसंद की जगह बताएं तो मैं वहां जाकर प्रपोज करूंगा। जरूरत नहीं, लगते तो शरीफ आदमी हैं। शरीफ आदमी प्रपोज नहीं करते, शादी नहीं करते, लगता है शरीफ लोग ही प्रपोज करके शादी करते हैं ना। थैंक गॉड लिफ्ट चली। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, प्लीज एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी इफ आई एम बदरिंग यू, पर एक छोटी सी बात, ये मेरा कार्ड है, आप रख लीजिए और अपना नाम बता दीजिए मुझे। ना ही मुझे आपका ये कार्ड चाहिए और ना ही मुझे अपना नाम बताना है आपको। रख लीजिए, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। Excuse me, please. क्या नाम बताया आपने? हा? आपने सुना नहीं? मैंने कहा excuse me. Excuse me. Excuse me. Nice name. Excuse me. भैया आप प्लीज किसी भी हाल में आज वो टीवी एड देख लो, मुझे कैसे भी करके उसे आज भेजना है। क्या बात है भैया? रवि, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, जहां पर वो रिहर्सल करती थी वहां भी नहीं आती, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। पिताजी ने पार्टी भी अनाउंस कर दी। क्या भैया,
सैटेलाइट कम्युनिकेशन और फास्ट फूड के जमाने में आप कहां बाबा आदम के जमाने की प्रॉब्लम लेकर बैठ गए हो? आप चलिए मेरे साथ। रवि मैं, अरे आप चलिए तो सही। कहां यार? आप चलिए तो सही, मैं आपको बताता हूं ना। वो सब छोड़िए आप, मैं आपको रास्ता बताऊं। कम ऑन माय बॉय, कम ऑन। नमस्कार, इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। कार्यक्रम शुरू होने से पहले कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर श्री सूरज कपूर कुछ कहना चाहते हैं। ए उर्मी फेंकना यार। मिस एक्सक्यूज मी, मेरा मतलब है अनामिका। अनामिका इसलिए क्योंकि मुझे आपका नाम नहीं मालूम। हमारी मुलाकात इससे पहले दो बार हुई थी, एक बार जब हमारी गाड़ी टकराई थी और दूसरी बार रंग शारदा में। मैंने आपको अपने बारे में सब कुछ बता दिया मगर आपने अपना नाम तक नहीं बताया। माफ करना, मेरे पास और कोई तरीका नहीं था आप तक पहुंचने का, इसलिए मैं ये मैसेज आपको टीवी पर दे रहा हूं। यह मैसेज हर घंटे टीवी पर रिपीट होगा जब तक आप मुझे इन नंबर पर फोन नहीं करते। 620-90-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99। अच्छा तरीका निकाला अपनों तक पहुंचने का है। I swear, क्या बात है। दीदी तुम एड देख के अपसेट क्यों हो गई थी? सच सच बताओ, कार किसकी कार के साथ टकराई थी? रंग शारदा में कौन मिला था? बताओ ना, बताओ मुझे, मुझे सुनना है। यही था। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हैंडसम है, पैसे वाला है, और क्या चाहिए? शादी करने के लिए पैसा कोई बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं है, और हैंडसम होने में खुद का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता। अगर मैं उसे अच्छी लगती हूँ तो क्या जरूरी है वो भी मुझे अच्छा लगे? That's no problem. आखिर मेरा भी कुछ फर्ज बनता है, बहन हूँ तुम्हारी। अगर यूं ही मुलाकातें होती रहीं, तो देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। तू, तू? सूरज, ये क्या बेहुदापन है? ये सब जो मैंने देखा ये क्या है? नाम और पता पूछना पिताजी, और कोई रास्ता नहीं था, क्या करूं? डैड, ये जेट एज है और मेरे हिसाब से लड़कियों तक पहुंचने का ही बेस्ट रास्ता है। रवि, मुझे मालूम है तुम दोनों ने मिलकर ही ये सब कुछ किया है। तो क्या कहेंगे, इसके बारे में तो सोचा होता। पिताजी, सवाल लोगों का नहीं, मेरी शादी का है। अगर मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा। That's the spirit भैया, हिलना नहीं, हिलना नहीं। आजकल के लड़के, बाप रे, हम किस किस को जवाब दें? किसी को सवाल करने का हक नहीं माँ, इसलिए जवाब देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। Excuse me. Hello. जी क्या आप ही मिस्टर सूरज कपूर हैं? Yes. अभी अभी टीवी पर आपका मैसेज सुना। आपको जिसके फोन का इंतजार है मैं उसकी छोटी बहन बोल रही हूँ। अगर आप अपनी मिस एक्सक्यूज मी से यानी कि मिस अनामिका से मिलना चाहते हैं तो परसों शाम को 6 बजे रंग शारदा पहुँच जाइएगा, वहाँ आपकी मिस अनामिका का शो है। हेलो हेलो, कौन है? हो गया। ओके। Ticket, ticket, ticket.
साहब, मनी इज नो प्रॉब्लम सर, उसके लिए जो अच्छे से अच्छा हो सके वो कीजिए प्लीज। ये भी कोई कहने की बात है सूरज साहब? डॉक्टर साहब, दुनिया के किसी भी कोने से कुछ भी मंगाना हो, किसी को भी बुलाना हो, अब मुझसे कह दीजिए। कहीं से कुछ नहीं मंगाना है सूरज साहब, मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मान गए मैडम, आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी हस्बैंड? उन्होंने तो डॉक्टरों की फौज खड़ी कर दी आपके लिए। आप किसकी बात कर रही हैं? मिस्टर सूरज कपूर की। ओह, आपको गलतफहमी हुई है, मेरे कोई हस्बैंड नहीं है। ओह सॉरी, मैंने सोचा था। पापा, इनसे मिलिए, रवि। नमस्ते पापा। नमस्ते। आप दोनों एक दूसरे को कॉलेज से जानते हैं? पापा, मैंने बताया तो था आपको रवि के बारे में, इनके ही बड़े भाई ने अपनी जान पे खेल के दीदी को बचाया है। बेटे, हम तुम्हारे भाई के बहुत एहसान मंद हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लीजिए भैया, आ गए। भैया, ये शुभांगी जी के अंकल। अंकल, ये मेरे बड़े भैया सूरज। नमस्ते। थैंक यू बेटे। और मैं शुभांगी की छोटी बहन उर्मी। क्यों भैया, कैसी लगी मेरी वाली? बहुत अच्छी है। कैसी हैं आप? मैं भी ठीक हूँ और दीदी भी ठीक है। थैंक गॉड। शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए, मौत के मुंह से बचा लिया आपने मेरी बच्ची को, हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे, इसमें एहसान की क्या बात है? अगर आप ना होते तो मैं ना होता तो कोई और होता, ये तो सिर्फ एक इत्तफाक था। पापा, ये दीदी से शादी करना चाहते हैं, याद है वो टीवी वाला एड? आप शुभांगी से शादी करना चाहते हैं? जी चाहता तो हूं, लेकिन शायद उन्हें मैं पसंद नहीं। शर्मीली है, मैं उससे बात करूंगा। कैसी हो बेटी? ठीक हूं अंकल। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुम्हें बचा लिया। सूरज ने हमारे लिए जो किया है उसका क्या कहें, वरना आज के जमाने में ऐसे लोग कहां होते हैं जो किसी अजनबी के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दें। बेटी, वो तुमसे शादी करना चाहता है, बहुत प्यार करता है तुमसे, और फिर उसी की वजह से तो तुम्हें दूसरी जिंदगी मिली। शादी तो तुम्हें करनी है एक दिन, तो फिर अब क्यों नहीं? मैं भी चाहता हूं कि तुम उससे शादी कर लो। लेकिन अंकल, अगर तुमने इनकार कर दिया ना, बस यही एक कमी रह जाएगी उसमें। ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम मग्नाय स्वाहा, ओम कश्यपाय स्वाहा, ओम चंद्रमसे स्वाहा, ओम सर्वमंगल मांगल्ये स्वाहा, सालिके श्रीये त्र्यंबके गौरी नारायणी। अब आप दोनों अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लीजिए। एकदम तो महाबुद्धे सर्वज्ञो गणनायक, सर्व सिद्धि करो सेवा गौरी पुत्र विनायक। ओम गजानन भूत गणादि सेवितं कपत्कजं भूबलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। ओम तदेवं लग्नं सूर्यं तदेवं ताराबलं चंद्रबलं चंद्रबलं।
कह रहा मेरा जिया ओ जिया ओ जिया कह रहा मेरा जिया जो भी मेरे पास था तुझको दे दिया ओ पिया ओ पिया प्यार क्यों इतना किया I'll just be with you. Okay. Key, please. Oh, yes. Hello. Thank you. Your phone, sir. Yeah. Yeah. Come soon, Suraj. कहते हैं कि दोनों खूबसूरत होता है कि अगर चांद कंप्लीट होते हो मेरी लाइन में कुछ गड़बड़ है ये टूटी हुई थोड़ी सी क्या बोल रहे थे सूरज एक्सक्यूज मी या
एक्सक्यूज मी मैम। यस। रूम नंबर 530 में कौन ठहरे हुए हैं? जी वो नहीं, मुझे लगता है कि हम कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। जस्ट आई वांट टू कंफर्म इट। जस्ट अ मोमेंट। दे आर मिस्टर एंड मिसेस सूरज कपूर फ्रॉम बॉम्बे। बॉम्बे? या नो, आई हैव मिस्टेकन। इट्स ऑलराइट। क्या बात है? परेशान हो? खुश नहीं लग रही हो? मुझसे कोई भूल हुई? प्लीज ऐसा मत कहो। वो आदमी लिफ्ट में कैसे घूर के देख रहा था मुझे, उसने मुझसे टकराया भी था। वो लगातार हमारा पीछा कर रहा है सूरज। ओह, तुम्हें गलत फहमी हुई है। हिल स्टेशन है, छोटी जगह है, लोग घूमते फिरते बार बार मिल जाते हैं। वी ऑन हनीमून। बकाब नहीं सूरज, जिस तरह से वो मुझे देखते हैं मुझे डर लगता है। उसका बार बार मिलना इत्तेफाक नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों वो हमारे पीछे पड़ा है। हमारे नहीं, तुम्हारे। तुम हो ही ऐसी कि कोई भी दीवाना हो जाए। एक मैं दीवाना तुम्हारे सामने? मजाक मत करो सूरज, मैं सीरियस हूँ। मुझे उससे बहुत डर लगता है। ओ कम ऑन, मेरे होते हुए तुम्हें डर लगता है? ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है मेरे लिए। भागा, आई एम हियर। मधु, क्या बात है? कल मिली, पहचाना तक नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या बात है? जस्ट मोमेंट, अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मुझे मालूम नहीं। क्या बात है? प्लीज, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। आप कौन हैं? पहले ये बताइए कि आप कौन हैं? मेरा नाम विश्वनाथ है। अब इनसे पूछिए मैं कौन हूं। शुभांगी, कौन है ये? मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं चाहती इनको। मधु, ये क्या कह रही हो? ये मधु नहीं, मेरी बीवी है शुभांगी। ये आपकी नहीं, मेरी बीवी मधु है। मधु, तुमने दूसरी शादी भी कर ली? विल यू एक्सक्यूज अस प्लीज? नहीं, आपका कोई गुनाह नहीं। शायद मधु ने आपको बताया नहीं होगा, अनजाने में आपसे गुनाह हो गया हो। ये शादीशुदा है, मेरी बीवी है। लेट्स गो, जो हुआ सो। ये क्या बदतमीजी है? लीव हर अलोन, आप हद से आगे बढ़ रहे हैं, चले जाइए वरना अच्छा नहीं हो। कमाल है, आप मेरी बीवी के साथ यहाँ बैठे हैं और मुझे ही धमका रहे हैं। एक्सक्यूज मी कैप्टन, प्लीज कॉल द सिक्योरिटी। ओके, ये आदमी हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। थैंक यू। ये आदमी कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा है, पता नहीं क्यों मुझे मधु मधु कह रहा है। जस्ट आई वॉन्ट टू कन्फर्म, दैट्स ऑल, नाउ आई एम श्योर। एक्सक्यूज मी, इन्हें ले जाइए और देखिए आइंदा ऐसी हरकत ना हो। आपको मालूम नहीं, इन्हें मालूम नहीं, ये मेरी बीबी है, मैं साबित कर सकता हूँ। सर प्लीज, सॉरी प्लीज, प्लीज डोंट टच, डोंट टच। मिस्टर सूरज, मैं विश्वनाथ बोल रहा हूं। तुम फिर? मैं बहुत अपसेट हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी बीवी ने मुझसे तलाक लिए बगैर आपसे दूसरी शादी कैसे कर ली? आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे कमरे में आ जाइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। शायद वो देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा, जिसे आप शुभांगी समझ रहे वो शुभांगी नहीं बल्कि मेरी बीवी मधु है। मेरे रूम का नंबर 502 है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, प्लीज। सूरज, प्लीज कम इन।
दरवाजा खुला है। कहिए, लाइक टू हैव ड्रिंक्स? थैंक्स। प्लीज, थैंक्स फॉर कमिंग। बस अब जो आप देखेंगे शायद उससे आपकी परेशानी बढ़ जाएगी, लेकिन आप मेरी परेशानी समझ सकेंगे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनो शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते अग्ने स्वाहा। अब आप इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। अब आप फेरों के लिए खड़े हो जाइए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनोहरि। ओम स्वस्ति न इंद्र। अब क्या कहेंगे आप? स्वस्ति न पूषा। मैं कहूंगा कि बहुत ही शातिर किस्म के चालक हैं आप, और जो देखा उसे क्या कहेंगे? ट्रिक, कैमरा ट्रिक, ब्लैकमेल का जरिया। ब्लैकमेल? मिस्टर कपूर, मॉरिशस में मेरा एक छोटा सा धंधा है, 50-100 करोड़ का मेरा टर्नओवर है। 2 साल से मेरी बीवी खो गई थी, उसकी तलाश में मैं भटक रहा था। उसके बिना मैं जी नहीं सकता। चाहे तो आप मुझसे सौदा कर सकते हैं, मेरे बीवी को वापस करने का आप क्या लेंगे? अब जो चाहे मैं देने के लिए तैयार हूं। बस मैं सोच भी नहीं सकता था कि इंसान इतना बिगड़ सकता है। पता नहीं आपका मकसद क्या है, मगर जो भी है घिनौना है। शायद आप जानते नहीं, मैं कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक हूं। कहते हुए अच्छा नहीं लगता, मगर आप जैसे हैसियत के लोग हमारे यहां नौकरी करते हैं। बेहतर होगा यह गंदा खेल आप हमारे साथ ना खेलें, वरना मुझे भी किसी हद तक आपके साथ गिरना होगा, जो मैं नहीं चाहता। चाहता तो मैं भी ऐसा कुछ नहीं हूं, लेकिन आप सिर्फ अपना पहलू देख रहे हैं। मेरा नजरिया आपको नजर नहीं आ रहा, जबकि मैं आपको सबूत दे चुका हूं। मिस्टर कपूर, मैं जानता हूं कि वो मेरी बीवी है। आप उसे पूछिए उसने अपने पिछली जिंदगी के बारे में आपको क्यों नहीं बताया। क्या जानते हैं आप उसके बारे में? कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक हैं आप, बहुत बड़े हैं, लेकिन आपके बड़े होने से मैं तो छोटा नहीं हो जाता। जब तक मेरी बीवी मेरे पास नहीं आ जाती, मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा और ना ही किसी को सोने दूंगा। अब आप मेरी भी एक बात गौर से सुन लीजिए। आइंदा अगर आपने हमारी जिंदगी में किसी भी तरह की दखल अंदाजी करने की कोशिश की, तो मैं अपनी बीवी के लिए कुछ भी कर सकता हूं, आपकी जान भी ले सकता हूं। आपकी जुबान पर मेरे लफ्ज आए हैं, मेरे दिल की बात निकली है, इसे भूलिएगा नहीं। थैंक्स फॉर कमिंग। कहां चले गए थे तुम? मुझे अकेला छोड़ के कभी मत जाना प्लीज। कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा यार। कहां गए थे? वो आदमी है ना विश्वनाथ, उसने मुझे एक वीडियो का सेट दिखाया, उसके खुद की शादी का। उसमें जो लड़की थी वो हूबहू तुम्हारी शक्ल की थी। तुम उसके पास गए क्यों थे? उसकी गलतफहमी दूर करने। तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है? मेरी कोई जुड़वा बहन नहीं है। सूरज, मुझे बहुत डर लग रहा है। डोंट वरी, डोंट वरी। चल हम कहीं और जगह चलते हैं, ओके? डोंट वरी, डोंट वरी डार्लिंग, ओके? मैं हूं ना। रिसेप्शन, मे आई हेल्प यू? 530 में रिंग हो रही है, कोई उठा नहीं रहा। सॉरी सर, वो लोग तो आज ही सुबह चेकआउट करके गोवा चले गए हैं। थैंक यू। यस, गोवा इज क्वाइट रोमांटिक प्लेस। चलो वहीं मिलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर अटेंशन प्लीज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं
हमारे होटल में कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर मिस्टर सूरज कपूर और उनकी पत्नी हनीमून के लिए आए हैं, जो हमारे होटल के लिए बड़े सौभाग्य और शान की बात है। और इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि सूरज साहब की पत्नी शुभांगी जी का आज जन्मदिन है। अब मैं अपने पूरे स्टाफ की तरफ से शुभांगी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो केक काटकर पार्टी का शुभारंभ करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब से लब पे बस एक नाम है, देखा तुझे मैंने जब से लब पे बस एक नाम है, जाने जा जाने तमन्ना एक नाम है, जाने जा जाने तमन्ना तू मेरी गुलफाम है। ज्यादा हंसी है मेरी जाने जाना, हाँ फूलों से ज्यादा हंसी है मेरी जाने जाना, कुछ शौक कुछ दिल नशी है मेरी जाने जाना, शाम है जाने जा जाने तमन्ना तू मेरी गुलफाम है। देखा तुझे मैंने जब से लब पे बस एक नाम है, जाने जा जाने तमन्ना तू मेरा गुलफाम है।
सारे दिन कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया। सरप्राइज, थोड़ी देर और। इतना क्यों सजा रहे मुझे? इतने सारे कहने बोझ लगते। मुझे अच्छा लगता है। डोंट मूव मधु। वो बोझ से याद आया, 71 के बांग्लादेश के वॉर में मैं कैप्टन था उस वक्त। हमारा एक साथी एम्बुश में मारा गया, धर्म सिंह, चिथड़े हो गए थे उसके। फिर वो छोटे छोटे टुकड़े जमा करके उसे वापस धर्म सिंह बनाया। लकड़ी के टुकड़े जोड़कर हाथी घोड़ा बनाते हैं ना वैसे। फिर पत्तों का कफन सजाकर उसे दफना दिया। वो सजाना बोझ लगा था, लेकिन ये सजाना बहुत अच्छा लगता है। लुकिंग सो नाइस। ओके गेट अप। मैंने अपने हाथों से सजाए हैं तुम्हारे लिए। ये रंग, ये सब तुम्हारे लिए। आओ इधर आओ, ये देखो सब मैंने अपने हाथों से किया। खुद तुम्हारे लिए काफी नहीं है, दोस्त किस लिए चाहिए? दिस इज नॉट फेयर मधु। नो, ये देखो, ये तुम्हारे लिए। सब कुछ तुम्हारे लिए। ना, किस लिए चाहिए भीड़? ना, ना। नहीं, ये नहीं मधु, ये नहीं कहना चाहिए था। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। नो वे। अरे आप यहां? हाँ, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं, मधु भी अच्छी है। उसका उसका जन्मदिन था आज। था नहीं, है, हमने अपने तरीके से मनाया। भी मैंने सोचा उसे बधाई दे दूं। पर हमने तो आपको बुलाया नहीं। मुझे यहां आने के लिए इनविटेशन की जरूरत थोड़ी है। ये तोहफा क्या है इसमें? ऐसी कौन सी चीज है जो मैं मधु को दे नहीं सकता? ले जाइए इसे। मैं पाप हूं उसका? देखिए, जब उसकी शादी हो गई, आपके चौकट से बाहर निकली, तब आप उसके लिए मर गए। उसके बाद उसका जीना मरना, उसका सुख उसका दुख मुझसे जुड़ा हुआ है। इकलौती भी है वो मेरी। थैंक्स, थैंक्स फॉर कमिंग, बाय।
हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। गाड़ी कहाँ है? मैम साहब बाहर गई। कब? 4 बजे। एलेक्स कम गई थी। मार्केट। कब? 4:30 बजे। 4 या 4:30। अरिशो। हाँ? 6:05 है, तकरीबन 2 घंटे हुए हैं। इतनी देर लगती है? सामान खरीदने में देर हो गई। मार्केट ही गई थी या कहीं और? मार्केट गई थी। चलो साहब से पूछो, 1 घंटा कहां गई थी? ये पूछ रहा है 1 घंटा कहां गई थी? मिस्टर शर्मा रास्ते में मिल गई थी तो उनसे बात करने में देर लग गई। फिर पहले क्यों नहीं बोली? मैं खा जाता तुम्हें,
इट्स ओके। इट्स ओके। दिस इज लोडेड नाउ, बी केयरफुल, कम ऑन। पकड़ो, यहां पकड़ो। ट्रिगर पर हाथ नहीं, नजर रखना। मुझे नहीं सीखना। सीखना है। देखो यहां से वो जो बिंदी दिखती है वो, और वो ऑब्जेक्ट है, एक लाइन। मुझे नहीं आता। आ जाएगा, एक लाइन में आ जाए, देख लेना, तब ट्रिगर खींच लेना। ओके, ऊपर का टीम दिखता है, कम ऑन, बराबर, फायर। कम ऑन, आओ। बैठो। डोंट मूव। हसो, कैसी शक्ल बनाई है? डोंट मूव। गेट अप, अब तुम मारो, जाओ। पीछे पीछे और पीछे। मुझे डर लगता है। इस बात का, मरेगा कौन, तू क्या मैं? और रॉड पीछे खींच लो पहले। हाँ, दबा। नाउ इट्स लोडेड, ओके? एम इट। शूट राइट हियर, यू कैन। मधु, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मैं नहीं मरूंगा। कम ऑन शूट, कम ऑन शूट स्वीट हार्ट, दिस इज द ओनली चांस यू आर हैविंग, कम ऑन। वेल डन, कम। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। नो नो एलेक्स, नो, गेट इन। यस, मेरा नाम प्रदीप चौधरी है, हम आपके पड़ोस में रहने के लिए आए हैं। आज मेरी बीवी का बर्थडे है, इस सिलसिले में हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है, अगर आप लोग आएंगे तो हमारे लिए बड़ी। नहीं, मैं पार्टी में नहीं जाता सर। स्टिल नो नो, यू कैन गो नाउ, एक नेबर होने के नाते यू कैन गो नाउ, प्लीज प्लीज कम एलेक्स। वो पड़ोस में सालगिरह है, मुबारकबाद दे के आता हूं, तुम सोचो। क्यों भाई, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? अरे साहब, मैंने आपको इनवाइट भी किया था कि आज मेरी वाइफ का बर्थडे है। तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर, और तुम्हारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें? आवाज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लोगों की नींद हराम कर रहे हैं। कम ऑन, पार्टी इज ओवर, गो टू स्लीप नाउ। Go to sleep. Behave like a grown-up child. Please, ghar chaliye. Don't disturb again. Thank you. Good night. Please. Please.
मैं जानता था कि मधु तुम जिंदा, और यह भी जानता था कि एक दिन तुम जरूर मिलोगी, लेकिन मिली भी तो किस रूप में? पराई बनकर सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है, क्या करूं? मधु तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम्हारी कीमत तुम्हें खोने के बाद ही मैंने जानी। मैं अकेला रह गया, आधा अधूरा। तुम मुझे पहचानने से इनकार करती हो, यह सरासर जुल्म है मुझ पर। हेलो हाउसकीपिंग, सेंड मी सम डेटॉल और सम एंटीसेप्टिक, मेक इट फास्ट, थैंक यू। शिट, क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि तुम मुझे एक मौका और दो? मैं तुमसे माफी मांग लूंगा मधु, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम्हें वापस आना ही होगा। क्या करूं, मजबूरी है, मैं जीना चाहता हूं। तुम्हारे सिवाय मैं जी नहीं सकता। गुड मॉर्निंग सर। या गाड़ी में बैठा था। सर आपको हमारा होटल कैसा लगा? या ओके ओके, एवरीथिंग इज ओके। आउच! नाइस प्लेस। थैंक यू। मांगे जो मांगे। ये क्या करे आप? आखिर आप चाहते क्या है मुझसे? देखो अब मैं तुम्हें आखिरी बार पूछता हूँ मधु। मैं मधु नहीं हूँ। इनकार करने से कोई फायदा नहीं मधु। देखिए ये जो मधु है ये आपकी बीवी थी? थी नहीं है। अच्छा है, अगर तुम अपनी बीवी से इतना ही प्यार करते हो तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव करते? ये कोई तरीका है किसी लड़की के साथ पेश? छोड़ो मेरा हाथ। सॉरी। अब गाड़ी रोको। जब तक तुम बताओगी नहीं कि पहले गाड़ी रोको फिर बताओगी। देखो मधु की दाहिनी जांघ पर तिल है, मुझे दिखा दो, अगर नहीं है तो तुम जा सकती हो। अगर नहीं है तो तुम जा सकती हो। देखो मुझे, अगर तुम मधु नहीं हो तो मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। छोड़ उसको, छोड़। मेरी बात सुनो। क्यों परेशान कर रहा? क्यों परेशान कर रहा मेरी छांगे को? क्यों? मेरी बात सुनो पहले। मुझे बस वो तिल दिखा दो। देखो तुम जानती हो मधु मैं वैसे जाऊंगा नहीं। मधु वो तेरे नहीं है, मेरी बीवी है वो, मेरी। क्यों
परेशान कर रहा है? क्यों परेशान कर रहा है मेरी शुभांगी को? क्यों परेशान कर रहा है? मेरी बात सुन तो पहले। वो तेरी बीवी नहीं आए। समझा दो उसे, समझा दो। मुझे इन छोटी मोटी मारामारी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जान से मार दूंगा उसे। एक बार दिखा दो बस, मुझे वो दिखा दो बस, दिखा। हाथ लगाना मेरी बीवी को, हाथ लगाना। वो तेरी मौत नहीं है, तेरी मौत नहीं है, नहीं है तेरी मौत। कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना। कब से समझा रहा हूं वो मेरी बीवी मधु है, समझने को तैयार नहीं। वो तेरी नहीं मेरी है। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। सूरज, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, ये तुमने मुझे बचाने के लिए किया था। कैसे आप? क्या बस मधु के जाने के बाद से तो आप इस घर का रास्ता ही भूल गए। कैसे हैं आप? बस जिए जा रहे हैं बेवजह। जीने की कोई वजह तो होगी। यहां मधु की तस्वीर थी, वहां यहां यहां यही थी। तुम्हारे सामने तो कितनी जिंदगी पड़ी है अभी। कितनी बार तुमसे कहा कि शादी कर लो, शायद उस बच्ची में ही मुझे मधु नजर आए। पहली बीवी जिंदा हो तो दूसरी शादी कैसे कर लूं? कब तक अपने आप को झूठी तसल्ली देते रहोगे? झूठी तसल्ली नहीं, मधु जिंदा है। क्या क्या कहा आपने? हाँ, मधु जिंदा है। मधु जिंदा है, हमारी हमारी यादों में जिंदा है। यादों में नहीं, असलियत में। मैं उसे मिलकर आया हूं। क्या क्या कहा आपने? मिलकर आया हूं उसे। क्या कहा? मिलकर आयो मेरी मेरी मधु से? कहां? बंबई में। धोखा हुआ आपको। कहां बॉम्बे, कहां मॉरिशस, मैं नहीं मानता। अगर अगर वो जिंदा होती भी तो मुझसे मिले बिना बॉम्बे थोड़ी चली जाती। यही सवाल आप वहां चलकर उससे कीजिए। गेट रेडी, लेट्स गो टू बॉम्बे। ड्राइवर जी, तुम साहब का सामान पहुंचा के वापस आ जाना। जी मैम साहब। मधु, मधु
रिलैक्स, क्यों भाग रही हो? रिलैक्स बाबा, ताज्जुब हुआ ना मुझे जिंदा देखकर? देखा गया ना मैं? क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? मैं अपने बीबी से बात कर रहा हूं, आपको कोई एतराज? प्लीज प्लीज अपना काम कीजिए प्लीज। क्यों परेशान हो बाबा? क्यों परेशान? ओके ओके ओके, आई एम स्ट्रेंजर टू यू। ओके, देखो मैं अपने साथ किसको लाया हूं, प्लीज कम प्लीज। देखो कौन है, देखो देखो, कहो कि ये तुम्हारे पापा नहीं है। मेरे पापा? हाँ, और कहो ये तुम्हारी मधु नहीं है। अब कहिए ये मधु नहीं है। हाँ, ये मधु नहीं है। कैसे बाप हैं आप, अपनी बेटी को पहचानने से इनकार कर रहे हैं? मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं इन्हें नहीं जानती हूँ, ये मेरे पापा नहीं है। आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? मैं मिसेस सूरज हूँ। मधु, माफ करना, माफ करना बेटी, इन्हें गलतफहमी हो गई। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। आप दोनों मिले हुए हैं, मुझसे धोखा कर रहे हैं, ये मधु है। मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा बेटे? क्या मैं अपनी बेटी को पहचानूंगा नहीं? उसे जिंदा पाकर खुशी से पागल नहीं हो जाऊंगा? पूछ लो इन्हीं से। लेकिन ये मधु है, आप झूठ बोल रहे हैं, ये मधु है। क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? रवि, अंदर कोई है? अरे भाभी, भैया होंगे। सूरज इस वक्त? हाँ, आज हम लोग ऑफिस से जल्दी आ गए ना। ओह कम ऑन। सूरज, क्या बात है? क्या बात है, क्या हुआ? वो जिंदा है। कौन जिंदा है? विश्वनाथ। थैंक गॉड। पर कहां देखा तुमने उसे? डिपार्टमेंटल स्टोर में उसे मुझे रोकने की कोशिश की, मेरा पीछा भी किया, बड़ी मुश्किल से बच के आई हूं मैं उसे। ये आप लोग किसकी बात कर रहे हो? वो मैं बाद में बताता हूं, तुम डरो मत, ये हमारा शहर है, यहां हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं भी आज अंकल से जाकर बात करता हूं, लगता है उसे पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा। तुम घर से बाहर मत निकलना, ओके? डोंट वरी रवि, चल। जी, डोंट वरी।
हेलो हेलो मधु, मैं बोल रहा हूँ। सुनो 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 मधु, मधु मधु मेरी बात सुने बगैर फोन मत रखना। मधु, आज तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया। मुझे मालूम है मुझसे छुटकारा पाने के लिए ये की हुई साजिश है। मैं तुम्हारे पिताजी की जुबान नहीं आंखें पट रहा था, वो झूठ बोल रहे थे। तुम मधु हो। मैं मधु नहीं हूँ, मैं मधु नहीं हूँ। आखिर कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? For God's sake, leave me alone। तुमने हमारा जीना हराम कर दिया है। आखिर क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा? हेलो हेलो, क्या हुआ? अभी क्या हुआ? वो यहाँ आया था। यहाँ आया था? खिड़की बाहर मैंने देखा, वो मुझे फोन भी किया था। रवि जी, तुम्हारे जंगल को फोन करो, फौरन फोन करो। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। कम ऑन, डोंट वरी बोला मैंने, कुछ नहीं होगा। हेलो अंकल, मैं रवि बोल रहा हूँ। हाँ बोलो रवि। अंकल वो यहीं कहीं है, भाभी ने उसे घर के बाहर देखा। क्या? उसने फोन भी किया था। रवि डोंट वरी, वो दोबारा फोन जरूर करेगा और हम उसकी कॉल टैप कर लेंगे। ओके? जी सर। क्या कहा? अंकल ने कहा है कि अगर वो दोबारा फोन करेगा तो वो उसकी कॉल ट्रेस कर लेंगे। घबराने की कोई बात नहीं, वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। इफ आई गेट दैट, आई एम गोना किल हिम। नहीं रवि, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, इज अ डेंजरस मैन। ओह कम ऑन भैया, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। चुप रहो, हमें सिर्फ उसके फोन का इंतजार करना है बस। ओके, सो टेक इट इजी बॉय। ओके ओके, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। हेलो मधु, उसी का फोन है, उसे बातों में लगाओ। रवि अंकल को फोन करो फौरन। ओके मधु, अब तक थकी नहीं इस आंख में चोली के खेल से? कब तक मुझसे दूर भागती रहोगी? कहां तक भागोगी? हेलो अंकल, मैं बोल रहा हूं। हाँ बोलो रवि। वो इस वक्त फोन पर है। ओके, दुनिया बहुत छोटी है मधु, यहां कोई ऐसी जगह नहीं जहां तुम मुझसे छुप सको। से बात करते रहो, बात करते रहो उसे। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आपको गलत फहमी हुई है। हजार बार कह चुके मैं मधु नहीं हूं, मैं मधु नहीं हूं। फिर वही गलत फहमी की बातें, वही इनकार। मधु तुम समझती क्यों नहीं, मैं वो विश्वनाथ नहीं रहा, मैं बदल चुका हूं। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर मिनट। देखिए अगर आपकी बीवी खो गई है तो आप पुलिस पे रिपोर्ट कीजिए। हमें क्यों तंग करते हैं आप? क्यों? मैंने तुमसे माफी भी मांग ली है, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, प्लीज। सर कॉल टैप हो गया। राइट सर। अंकल यहाँ आ रहे, वो आपको साथ लेके जाएंगे। कॉल ट्रेस हो गई है, सेंटर होटल। गुड, कम ऑन, कीप टॉकिंग। मधु अब और बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज। डोंट वरी, समझो पकड़ा गया। डोंट वरी। अरे अब जल्दी करो, जिंदे। यस सर। मोटर को चारों तरफ से घेर लो। यस सर। जल्दी हटो। Thank you.
एक्सक्यूज मी, मुझे होटल की तलाशी लेनी है। ओके। देखिए, मैं बॉम्बे पुलिस आया हूँ। अभी अभी थोड़ी देर पहले 881367 पर एक फोन आया था आप ही के होटल से। मुझे जरा उनको बुलाइए। ओके सर। सर, यस, आपको बुला रहे हैं। फरमाइए। शायद आप मेरी तलाश में यहाँ आए हैं। आपकी? जी, मैं विश्वनाथ जी। हाँ, जिसका फोन आपने ट्रेस किया है। चलिए, बिल 304 पे ट्रांसफर कीजिए। सर, मिस्टर विश्वनाथ। हेलो, सिट डाउन। थैंक यू। मालूम है आपको क्यों अरेस्ट किया गया है? अरेस्ट किया नहीं, मैंने अपने आप को अरेस्ट करवाया है। जानबूझकर मैंने होटल से फोन किया था ताकि आप मुझे ट्रेस करें और मैं इनसे मिल सकूं। क्यों, क्यों मिलना चाहते हैं? क्या नया सुनाना चाहते हैं मुझे? अंकल, आप तो जानते हैं इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया है। क्या क्या किया है इन्होंने हमारे साथ? हम वो शहर छोड़कर यहां आ गए तो यहां पीछा करता हुआ आ गया। आप इन्हें अच्छी तरह समझा दो अंकल, अगर इन्होंने शुभांगी को दोबारा परेशान करने की कोशिश की तो अकेले अंकल। इसके पहले आपने किसी को जान से मारा है? मैंने मारा है। आप एक बार फिर कोशिश करके देखिए। देखो बेटे, ऐसा नहीं कहते, शांत हो जाओ। आप क्यों इन लोगों को परेशान कर रहे हैं? आपको मालूम है आप पर हैरेसमेंट का केस बन सकता है और इन पर बीच ऑफ ट्रस्ट का केस बन सकता है, लेकिन आप इनके अंकल हैं इसलिए फेवर कर रहे हैं। मुझे अरेस्ट करने के बजाय इनको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक शादीशुदा औरत से शादी की है जो कानूनन मेरी बीवी है। Stop it! अगर आपने मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो मैं अपनी बीवी के बारे में बोल रहा हूं जिसे आप अपनी समझ रहे हैं। कमिश्नर साहब, मैं इनको इतने सबूत दे चुका हूं, आप भी वो सबूत देख सकते हैं जब चाहे। तब ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जिसे ये शुभांगी कह रहे हैं वो मेरी मधु है। बेटे, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, वो तुम्हारी मधु नहीं, हमारी बहू है। हम तुम्हें क्यों धोखा देने लगे? हम भी तुम्हारे माँ बाप की तरह हैं। नहीं, आप मेरे माँ बाप की तरह नहीं हैं। आप बहुत अच्छे हैं, कितना ख्याल रखते हैं अपने लड़के का। आपसे कोई दुश्मनी नहीं है मुझे, इनसे भी कोई शिकायत नहीं। ये क्या करे, सच्चाई का इन्हें पता ही नहीं था। मेरी समझ में नहीं आता मधु ने आप सब लोगों को अंधेरे में क्यों रखा। मधु मधु मधु, इस आदमी के दिमाग पर फितूर है, ये आदमी पागल हो गया। अरे भाई, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि शुभांगी मेरी पत्नी है, आपकी मधु नहीं। हजारों लोगों के सामने अग्नि को साक्षी मानकर हम लोगों ने शादी की है। उसी अग्नि को साक्षी मानकर आपसे पहले मैंने मधु से शादी की है। ये कोर्ट में मैं साबित भी कर सकता हूँ कि वो मेरी बीवी है। मेरे पास और भी सबूत है जिन्हें आप काट नहीं सकते। सोच लीजिए, आपको सजा भी हो सकती है। आप मुझे अदालत में जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इनकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। He's right. I'm also right. आप अगर मुझे हिरासत में लेना चाहते हैं तो मैं अपने लॉयर को बुला लूं। नहीं, आप जा सकते हैं। आपको जो कुछ करना है कोर्ट में कीजिए, लेकिन इन लोगों को आइंदा परेशान करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं सेंटर होटल के 304 नंबर के स्वीट में हूं, आप जब चाहे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू आर कमिश्नर, डोंट बी पार्शियल। कोर्ट में जाने की धमकी देता है कमबख्त। और कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो कोर्ट कचहरी के नाम से ही डर लगता है। इसमें डरना क्या है? हमने किया क्या है? जो भी किया उसने किया है, जाने दो उसे कोर्ट में। बेकार हमारी बदनामी होगी, मीडिया को उछालने के लिए एक और मौका मिल जाएगा और फिर हमारी इज्जत। हमारी इज्जत इतनी गई गुजरी नहीं है पापा, क्या किसी सरफिरे के कीचड़ उछालने से मैली हो जाए? और क्या, अच्छे से अच्छा वकील खड़ा करेंगे। आखिर तो यही साबित होने वाला है ना कि शुभांगी हमारी बहू है। बिल्कुल माँ, भाभी उस पागल की मधु नहीं है। Thank you.
मधु, हेलो बोलने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी सांसें पहचानता हूं। मेरे पास वापस आने के सिवाय तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। बी प्रैक्टिकल मधु, मैं कोर्ट कचहरी जाना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट लीगल हैसल्स। अगर तुमने मजबूर किया तो वो भी करना पड़ेगा। अदालत में कहना पड़ेगा कि तुम्हारी दाहिनी जांघ पर तिल है, फिर लेडीज कांस्टेबल तुम्हें अलग कमरे में ले जाएगी, एक एक करके तुम्हारे कपड़े उतारेगी और वो निशान देखेगी, फिर मैजिस्ट्रेट से कहेगी कि मेरा बयान सच है। तुम्हारी बदनामी मेरी बदनामी। सूरज तो दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। पुअर चैप। सोचो मधु, ये सिर्फ तुम ही रोक सकती हो। देखो विश्वनाथ, मैं हार गई हूं। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूं, लेकिन लेकिन क्या? तुम सूरज को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैं क्यों नुकसान पहुंचाऊं? मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि मुझे अफसोस है। सूरज को यह जानकर कितना दुख होगा कि तुम शुभांगी नहीं मधु हो। सूरज को तुम्हारी झूठी तसल्ली की जरूरत नहीं पड़ेगी विश्वनाथ। तुमने उन्हें नहीं जाना, लेकिन मैंने जाना है। कितना बड़ा दिल है उनका, उस दिल में सबके लिए कितना प्यार है। और मेरे लिए उस प्यार की गहराई का अंदाजा मैं भी नहीं लगा सकती। मेरी एक मुस्कान से खेल उठते हैं वो, मेरे चेहरे पे उदासी की छाया बेचैन कर देती है उनको। विश्वनाथ, उस आदमी की इंसानियत का अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि उनके दिल में तुम्हारे लिए भी हमदर्दी है। सच, क्या कुछ नहीं दिया सूरज ने मुझे? प्यार, मोहब्बत, घर, परिवार, और तुमने सिर्फ छीना ही छीना है। तुम तो मेरे लिए मर चुकी हो विश्वनाथ, लेकिन सूरज मेरे बगैर जी नहीं पाएंगे। लेकिन मैं फिर भी आऊंगी, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि लोग उन पर उंगलियां उठाएं, उनकी बेइज्जती हो। सिर्फ इसीलिए आऊंगी मैं, सिर्फ इसीलिए। तुम्हारे लिए तो मैं एक सुंदर शरीर से ज्यादा कुछ थी ही नहीं, और अब भी तुम्हें मेरे शरीर के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। बाकी मेरा सब कुछ सूरज के पास रह जाएगा। अब तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि मुझे आना कहां है। 7:30 की फ्लाइट है, 6 बजे एयरपोर्ट। पहुंच जाऊंगी। नहीं आओगी तो तुम्हें मालूम है मैं क्या कर सकता हूं। मैं जरूर आऊंगी। साथ तुम्हारी शादी हो गई है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आए। क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही?
मेरे हिस्से का सुख तो तुमने मुझे दे दिया, लेकिन मेरे हिस्से का दुख तो तुमने अपने पास ही रख लिया। बेईमानी है ना? किस दुख की बात कर रहे हो तुम? यही तो मैं जानना चाहता हूं। मैं सिर्फ तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा दोस्त भी हूं। अगर कुछ कमी रहेगी तो बता दो, मैं उसे भी पूरा कर दूंगा। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो मुझे? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मेरा प्यार किसी भी हाल में नहीं बदलेगा। जो दिल में है बता दो, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, शायद तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। नहीं सूरज, आज मैं पिताजी की दी हुई कसम तोड़ दूंगी, तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ। मुझे मरना पसंद है सूरज, लेकिन तुम्हारा विश्वास खोना नहीं। मैं ही मधु हूं। अपने दिल का बोझ हल्का कर लो, बोलो। पिताजी विश्वनाथ के सामने घेर सकते थे, एक दिन में उन्हें करोड़ों का नुकसान हो गया। विश्वनाथ ने सब कुछ नीलाम करने का कोर्ट ऑर्डर भेजा, उसने पिताजी से कहा कि अगर मैं शादी करने के लिए हां कर दूं तो वो नीलामी से बच जाएंगे। पिताजी ने ना कर दी, मगर मैंने उनकी मान मर्यादा रखने के लिए हां कर दी। विश्वनाथ बहुत पॉजिटिव है, उस हवा से भी नफरत करता है जो मुझे छूकर गुजरी हो। मैं उसके अत्याचारों से तंग आ गई थी। एक दिन क्या
बेटा नहीं, शैतान इतनी आसानी से मर नहीं सकते। मैं सच कह रही बाबा, हम आज तेज ड्राइव करते हुए जा रहे थे, जी पानी में गिर गए, पानी से बाहर निकल के बहुत टूटा, वो कहीं नहीं, वो डूब गया, वो डूब गया। बस बेटा बस, चुप हो जा, देख जो हुआ सो हुआ, शायद अच्छा ही हुआ। हालात ने तुझे एक मौका और दिया है बेटा, बेटा तू तो अभी बच्ची है, तेरे सामने तेरी सारी जिंदगी पड़ी है, विश्वनाथ के चले जाने से तेरी जिंदगी रुक तो नहीं जानी चाहिए ना, तुझे तो बेटा अभी और जीना है। हाँ हाँ बेटा, यही मौका है उससे छुटकारा पाने का, अगर वो बच भी गया तो वापस तुझे उसी नरक में ले जाएगा। उसे यही समझने दे कि मधु मर चुकी है, भूल जा कि कभी तेरी शादी हुई थी, ये तक भूल जा कि मैं तेरा बाप हूं। बेटा आज तक जो भी हुआ उसे डरावने सपने की तरह भुला दे। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं बेटा, उठ उठ, ठीक कह रहा हूं मैं, अब तुझे अपनी दूसरी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है। समझ ले कि विश्वनाथ के साथ मधु भी मर गई, तेरा नया जन्म हुआ आज, मैं तुझे नया नाम दूंगा, शुभांगी। पापा। हाँ बेटा तू इंडिया चली जा अपने चाचा के पास, यहां रहेगी तो मधु शुभांगी का पीछा करती रहेगी, इसलिए मधु के अतीत को दफन कर दे हमेशा हमेशा के लिए। बंबई जाकर कोई अच्छा सा लड़का देखकर अपना घर बसा लेना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। मैं शुभांगी के उज्जले भविष्य के लिए प्रार्थना करता रहूंगा, लेकिन बेटी अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कभी कुछ मत बताना, किसी को भी नहीं बताना, तुझे कसम है। मैं समझती थी कि विश्वनाथ मर चुका है, सब कुछ भुलाकर मैं एक नई जिंदगी जीना चाहती थी, वहां से निकलकर मैं यहां बॉम्बे चाचा के पास आई और शुभांगी बनकर एक नई जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी कि तुम मेरी जिंदगी में आए, तुम्हारे बाहों में पता चला प्यार क्या होता है और जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। कई बार दिमाग आया कि तुम्हें असलियत बता दूं, लेकिन पापा को दी हुई कसम और मेरी खुदगर्जी मुझे रोकती रही। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, विश्वनाथ बच गया है और ग्रहण बनके मेरी जिंदगी के साथ साथ तुम्हारे जिंदगी में भी लगने लगा है। आज जब उसका फोन आया तो सब सुन चुका हूं, मैं तुम्हारी गुनहगार हूं, ये तुम पहले भी बता देती, तुम्हें मैं तुमसे इतना ही प्यार करता, वो तुमसे बहुत प्यार करता है शुभांगी, शायद मुझसे ज्यादा, अगर तुम उसके पास जाना चाहती हो तो। मैं जा भी रही थी तो सिर्फ मरने, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। मैं भी तो नहीं जी सकूंगा सूरज। मैंने जैसा कहा वैसे ही कर दो। आप लंदन से तकरीबन 3 घंटे देर से आए थे
All visitors awaiting the arrival of Air India's flight Air 112 program. Please note that this flight is delayed by 3 hours. मुझे मालूम था तुम आओगी। वो तो आना ही था। तुम मुझे मारना चाहती हो? Come on, hold it properly. कैसे पकड़िए गन? Not like this, hold it like this. ऐसे पकड़ो। And shoot me here. Or here. Come on, shoot me. You want to shoot me, eh? You want to shoot me? You want to kill me? Huh? Idiot? तो मेरी रही ना तुम्हारी। You want to kill me? Kill me, come on, kill me. अगर जान से मारना है तो यहां मारो, यहां, यहां नहीं। Hit me here. Come on. मेरी तरफ से फूल चढ़ा देना उस पर। Thank you, अंकल। हमारे तो समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। Thank you. Thanks की कोई बात नहीं। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। आपकी नकली गोलियों वाला आइडिया वाकई काम कर गया। उसे तो सचमुच लग रहा है कि उसने मधु को मार डाला। क्या करें, ऐसे लोगों को इसी तरह हैंडल करना पड़ता है। बेटी, हमारे प्लान की आखिरी कड़ी है। अगर तुम्हें जिंदा देखकर भी वो ये समझता है कि तुम मधु नहीं हो, तो समझ लो ये परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। हाँ, मैंने तो उसे मार दिया। सॉरी मैम, सॉरी। सूरज, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। अब तुम सिर्फ मेरी शुभांगी हो। उसकी मधु मर चुकी है। इंस्पेक्टर, पहले मैं आर्मी में था, मुझे असली और नकली गोली की पहचान है। लोग समझते कि मैं पागल हूं। उसे यकीन हो चुका है कि उसकी मधु मर चुकी है। अब वो तुम्हें कभी नहीं सताएगा। अगर शुभांगी जिंदा है, मधु मर चुकी है, तो मैं यहां क्या कर रहा हूं? हाय। डोंट मूव।
क्या पागल समझते हैं आप मुझे? कितना बचकाना खेल खेला आपने मुझसे, किस लिए? मुझसे छुटकारा पाने के लिए? यह नकली नहीं है, जिंदगी में हर वक्त सब कुछ खोते आया हूं मैं, बचपन से लेकर आज तक। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली, मेरा गुनाह था। मेरी मां ने दूसरी शादी कर ली, मेरा गुनाह था। मेरी बीवी ने दूसरी शादी कर ली, मेरा गुनाह था। मेरा गुनाह सिर्फ इतना है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। नहीं, मैं किसी को भी मार सकता हूं। मारना ही है तो मुझे मारो। नहीं शुभांगी। शुभांगी, यस शुभांगी, मैं आपको मारूंगा तो ये जी नहीं सकेंगे, मैं इनको मारूंगा तो आप जी नहीं सकेंगे, और मैं मधु के बिना जी नहीं सकता। लेकिन वो तो मर चुकी है। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ध्यो यो नः प्रचोदयात्। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोष्यति मारुतः। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिपृथ्वी शान्तिरापा शान्तिरौषधय शान्तिर्वनस्पतय शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगुण शान्ति सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु।